पार्षदों को पालिका में जाने से लगता है डर। उपखंड अधिकारी को विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। केशुराय पाटन नगर पालिका पार्षदों द्वारा पाटन में वार्डवासियों के साथ जुलूस निकाल कर विभिन्न समस्या को लेकर नगर पालिका में नहीं जाकर विभिन्न समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी बलदेव सिंह को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। बताया कि पाटन क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से जनता परेशान है। जनता द्वारा हम पार्षदों को बोला जाता है, हम नगर पालिका चेयरमैन और अधिकारी से नहीं बोलेंगे तो किससे कहेंगे। हम विकास कार्य को लेकर नगर पालिका में जाते हैं तो हम पार्षदों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। हम पालिका में जाने से डर लगता है। 2 वर्षों से सड़क नाली साफ सफाई अन्य कार्य रुके पड़े। नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी की गई और क्षेत्र में बारिश से फसलों का नुकसान, किसानों को मुआवजा के लिए वार्डवासियों के साथ उपखंड अधिकारी बलदेव सिंह को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी द्वारा अधिकारी के बिंदुवार कार्य की जाँच करवा दी जाएगी। इस मौके पर नगर पालिका वाइस चेयरमैन राजविंदा गोचर, पार्षद भोज राज फौजी, पार्षद रामनारायण मेघवाल, पार्षद अशोक भाई मेघवाल, वार्डवासी मोतीलाल शंकर मुश्ताक, राम लोकेश मेघवाल, जानकी भाई, पूर्व पार्षद दुर्गालाल व अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। केशुराय पाटन से विकास कार्यों को रोका जा रहा है और अभी हो रही बारिश के कारण जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसके मुआवजे के लिए ये ज्ञापन दिया गया था। हम देख रहे हैं कि नगर पालिका का 2 साल हो गए बोर्ड बने हुए, 2 साल में अभी तक एक ही NIT निकली थी, उनके कार्य भी अभी तक पूरे नहीं किए गए। पार्षदों की स्थिति ये है, नगर पालिका जाने के बाद उन पर मुकदमे लगाए जाते हैं। पार्षदों का केवल और केवल ये उद्देश्य रहता है कि हमारे वार्डों में काम कराया जाए, विकास कराया जाए, पर विकास के नाम पे देखा जाए तो आज 2 साल हो चुके हैं, एक नाली के काम के लिए भी पार्षद को बेइज्जत होना पड़ रहा है। और इस डर के कारण नगर पालिका में जाकर सभी लोगों को ज्ञापन देने SDM के पास आना पड़ रहा है।